महाराज की जय हो। वहां से क्या प्रस्ताव लाए संजय? महाराज युधिष्ठिर ने प्रतिष्ठित वृद्ध व्यक्तियों के लिए सादर प्रणाम और अनुजों के लिए स्नेह का उपहार भेजा है। महाराज काम की बात करो राज सारथी संजय। धैर्य से काम लो पुत्र दुर्योधन, धैर्य से काम लो। मेरे धैर्य का कोष रिक्त हो चुका है मामाश्री, अब मैं गदा से काम लेने की सोच रहा हूँ। गदाएं उधर भी हैं पुत्र दुर्योधन। जानता हूँ पितामह, किंतु यदि पांडवों ने 12 बरस के वनवास को स्वीकार नहीं किया तब तो गदाओं का टकराना ही पड़ेगा। पहले ये तो सुन लो युवराज कि पांडुपुत्र ने क्या संदेश भेजा है। आप बूढ़े लोग जिस युद्ध को टालना चाहते हैं कुलगुरु, वो टल नहीं सकता, क्योंकि मैं युद्ध को टलने नहीं दूंगा। ये पांडव केवल मेरी गदा और मेरे मित्र कर्ण के वाणों की भाषा समझते हैं। सुनाओ राज सारथी, उपप्लव्य से क्या समाचार लेके आए हो? हे महाराजा धीराज, मैंने आपका संदेश ज्येष्ठ कुंती पुत्र को दिया। वहां और कौन कौन था? पांडु परिवार के अतिरिक्त विराट नरेश थे, पंचाल नरेश द्रुपद थे, युवराज धृष्टद्युम्न थे और वासुदेव कृष्ण थे। युधिष्ठिर ने कहा क्या? पहले मैं वो बताता हूँ महाराज जो कुंती पुत्र अर्जुन ने युवराज दुर्योधन के लिए कहलवाया था। युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर या युधिष्ठिर की आज्ञा लिए बिना? ज्येष्ठ कुंती पुत्र ने उन्हें टोका तो नहीं था महाराज। तो फिर बताओ अनुज पुत्र अर्जुन ने मेरे पुत्र के लिए क्या संदेश भेजा है? अर्जुन ने मुझसे कहा था महाराज कि हे संजय, उस असभ्य सूत पुत्र कर्ण के सामने दुर्योधन से कहना कि यदि उसने इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाया तो अपने कपट, अपनी असभ्यता और अपने अहंकार के कारण वो रणभूमि में किसी सूखे हुए वृक्ष की भांति कटकर गिरा हुआ दिखाई देगा। इसलिए हे संजय, उस मूर्ख को समझाना के शांति के मार्ग पर चलना सीखे। महादेव की सुगंध जब मेरे वाणों की वर्षा होगी तो अग्नि बरसेगी और वो अग्नि कुरु सेना और सेनापतियों को यूं जलाकर भस्म कर देगी जैसे ग्रीष्म ऋतु सूखी हुई घास को जलाकर राख कर देती है। बहुत सारथी, तुम संदेश सुना रहे हो या ज्येष्ठ कुरुपुत्र दुर्योधन को डराने का प्रयत्न कर रहे हो? ज्येष्ठ कुरुपुत्र तो गंगा पुत्र भीष्म है युवराज। जानता हूँ कुलगुरु कि ज्येष्ठ कुरुपुत्र तो पितामह है, मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु ये घोषणा भी करता हूँ कि यदि पिताश्री ने किसी को मेरा उत्तर लेकर अर्जुन के पास नहीं भेजा तो मैं स्वयं उपप्लव्य जाकर उसकी असभ्य जीव खींच लूंगा और उसकी प्रत्यंचा बना लूंगा। धीरज पुत्र, धीरज। धीरज और धैर्य जैसे शब्द मेरे लिए नहीं बने हैं पिताश्री। वत्स दुर्योधन, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने धर्म और अर्थ दोनों ही से अपना नाता तोड़ दिया है। तुम ही कुरुवंश की पतनशीलता का कारण हो पुत्र, तुम ही। और अब भी यदि तुमने अपनी आंखें नहीं खोली तो समझ लो पुत्र कि अपने महारथियों के शव देखना तुम्हारी नियति बन चुकी है। हे पुत्र दुर्योधन, तनिक सोचो तो। तुम केवल 3 व्यक्तियों की ही बातें सुनते हो। उनमें से पहला है गुरु परशुराम द्वारा शापित ये सूत पुत्र कर्ण, और दूसरा है ये गंधार नरेश कपटी शकुनी, और तीसरा तुम्हारा दुराचारी अनुज दुशासन। क्या इस भरी सभा में सबके सामने यूं मेरी निंदा करना आवश्यक था आदरणीय पितामह? क्षत्रिय धर्म के पालन के अतिरिक्त और मैंने किया क्या है? मैंने यही शपथ ली है ना कि मैं अपने मित्र दुर्योधन के शत्रु पांडवों का वध करूंगा, और आप ही बताइए कि मैं ये शपथ नहीं लेता तो क्या करता? मैं कूटनीति की मधुर भाषा नहीं जानता पितामह, क्योंकि मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, योद्धा हूं मैं, और केवल धनुष की भाषा जानता हूं। हे पितामह, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, मेरी निष्ठा कुरुवंश के प्रति नहीं है, मेरी निष्ठा केवल महाराज और युवराज दुर्योधन के प्रति है। निष्ठा जैसे शुद्ध और पवित्र शब्द का यह दुरुपयोग न करो अंगराज कर्ण। तुम तो जिस छतनार वृक्ष की छाया में बैठे हो उसी की जड़ें काट रहे हो, और अपनी इस अनिष्ठा को निष्ठा भी कहे जा रहे हो। ना भड़काओ अपने मित्र दुर्योधन को, ना भड़काओ। तुम हो ही क्या, और हम सब मिलकर भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते। उस विराट युद्ध में तुम भी थे और मैं भी था,
और तुम्हारा ये मित्र दुर्योधन भी था, जो आज इस सभा में बैठकर ये डींगे मार रहा है कि वो अर्जुन की जीवा काटकर अपने धनुष की प्रत्यंचा बना लेगा। हे महाराज, मेरी विनती सुनिए। दुर्योधन की आत्मा में घुसा हुआ शकुनी, दुशासन और कर्ण का ये त्रिशूल निकाल फेंकिए महाराज, निकाल फेंकिए। नहीं तो पूछिए इस कर्ण से कि उस समय कहां था जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था। युद्ध की बात करना और बात है महाराज, किंतु युद्ध करना और बात। यदि आप चाहते हैं कि आपके पुत्रों की आयु लंबी हो तो उन्हें उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए महाराज। कभी नहीं पितामह, कभी नहीं। पहले वे 12 बरस के वनवास को स्वीकार करें और तब आए। आपके विचार में हमें क्या करना चाहिए आचार्य द्रोण? यदि महाराज युद्ध का आदेश देंगे तो युद्ध अवश्य होगा, किंतु मेरे विचार से गंगा पुत्र भीष्म का प्रस्ताव स्वीकारनीय है। संसार की कोई भी सेना उस सेना को नहीं हरा सकती जिसकी ओर से अर्जुन युद्ध कर रहा हो, जिसके पक्ष में भीम की गदा हो, जिसके हाथ में युधिष्ठिर का भाला हो। गुरुवर, यदि हमारे शिविर में आप जैसे पांडवों के शुभ चिंतक होंगे तब तो हम युद्ध करने से पहले हार जाएंगे। जब हम बोल ही नहीं सकते हैं महाराज, तो हमारा इस राज सभा में होने का तात्पर्य क्या है? मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, जो शिष्य अपने गुरु का आदर करना नहीं जानता उसका तो कोई भविष्य नहीं है महाराज, कोई भविष्य नहीं है। जब आप आदेश देंगे तो रणभूमि में अवश्य आ जाऊंगा और उस अर्जुन के विरुद्ध युद्ध करूंगा जो मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। आचार्य, मेरे हस्तिनापुर को छोड़कर न जाइए आचार्य, ना चाहिए। मैंने आपका विचार जान लिया है आचार्य। विराजी, अर्जुन तो अग्नि शिखर है संजय, उसके कहे से मन क्या मैला करना। तुम ये बताओ कि स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या प्रस्ताव भेजा है? यूं भी द्यूत में वत्स अर्जुन नहीं हारा था, स्वयं युधिष्ठिर हारा था, तो उनकी ओर से निर्णय लेने का अधिकार भी केवल उसी को है। क्या वो भी युद्ध की तैयारी कर रहा है? यदि हां तो यह भी बताओ, क्या वहां कोई ऐसा भी था जो युद्ध के प्रस्ताव का विरोध कर रहा था? वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त वहां कोई शांति की भाषा नहीं बोल रहा था महाराज। मैं युधिष्ठिर के रोष और वासुदेव की शांति के अतिरिक्त और किसी से नहीं डरता संजय। क्या तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि वे युद्ध चाहते हैं? उनके पास दो ही विकल्प हैं महाराज, इंद्रप्रस्थ या युद्ध। युद्ध में तो हमारी पराजय निश्चित है संजय। इंद्रप्रस्थ दे देना भी पराजय ही है पिताश्री। ये नेत्रहीन धृतराष्ट्र तक अपने 100 पुत्रों के शव देख रहा है संजय, परंतु मैं क्या करूं? यदि इंद्रप्रस्थ मेरे पास होता तो मैं अवश्य प्रिय पांडु पुत्रों को दे देता, परंतु इंद्रप्रस्थ तो दुर्योधन के पास है संजय, इसलिए लगता है कुरुवंश को अपना दुर्भाग्य स्वीकार करना ही पड़ेगा।